तो किस टाइम आया था मेरे पास? ऐसे आया था 8 बजे करीब, 8 से मतलब 7:30 के बीच में आया था, 7:30 से 8 के बीच में तो मेरे पास आया था। इसे चुप कर ले। 7:30 से 8 के बीच में तो मेरे घर पर आया था। किस लिए आया था भाई? बात करना आया था लोन के लिए। लोन के लिए 9 नंबर गली में जाना, लोन के बाद चलिए 1 लाख रुपए की। वहाँ पे पेपर देने थे, वो काम हमारा प्रोसेसिंग में है। रुक रहा हो? सर्वेयर की वजह से रुक रहा। सर्वेयर रुक गया था। तो हम कहाँ गए भाई? घर से यहाँ से पहले दूध लेने गए थे डेयरी में, दूध हम ले गए। टाइम हो गया था 9 से 9:30 के बीच बाजार में घूमने के लिए, क्योंकि हमें पीनी भी थी। हमें देखो ये ऑर्डर डिली चाहिए, इस वजह में डिली चाहिए क्योंकि हमें ड्राइवर आदमी, हम परमानेंट किसी की गाड़ी चलाते नहीं। हम चलाते हैं गाड़ी 500 रुपये 600 रुपये 2-4 घंटे के लिए, किसी को चलवानी हो तो। एमरजेंसी चलाते हैं भाई, एमरजेंसी। जो जेसी बी का ड्राइवर है मैं, गाड़ी कोई सी भी गाड़ी हो इस दुनिया में, अगर आज भी गाड़ी बनी उसमें मैं चला दूंगा। जहाँ क्या कोई कह देगा वहां चले जाऊंगा, क्यों भाई? सही, लाइसेंस हमारे पास है गाड़ी चलाने का परिवहन से। हमने लिया पेटीएम पोस्ट पैड से 1000 पॉइंट लेके, मैंने 400 रुपये मोनो चौमिन वाले से ले थे बप्पा रोड विश्वकर्मा चौक से आके जाओ इंग्लिश के ठेके के सामने, मोनो चौमिन वाला, मोनो प्रजापति चौमिन वाला ठेला करता है, वहां से हमने 400 रुपये उससे लिए। कितने लिए थे भाई? 400 लिए थे मेरे, मैंने उसके अकाउंट में 400 रुपये डाले थे नकद पेटीएम से, उससे हमने 400 रुपये नकद लिए थे, जिसमें से हमने 260 रुपये का क्वार्टर लिया था अपना पीने के लिए दोनों भाई ने। और हमने क्या कहा भाई, घर पे चल ले घर पे पिएंगे। क्या कहा भाई? हाँ घर पे कहा था ना, इसने कहा घर पे चलते घर पे बच्चे है, मैंने सोचा घर पे बच्चे है हम घर पे नहीं पीते, तो हम चले गए कोकड़ा मंडी में। जस साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जान के लिए खतरा है, इस भाई के लिए भी खतरा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है, इसकी भी जान को खतरा है। जो देंगे यानी का वो गोरी गटरे का लड़का है, भतीजा लगता है वैसे हमारा, गोरी नाम उसका गौरव है, उसके पापा का नाम दिनेश है, घर वाले का नाम सरोज है, उसके भाई का नाम एक अंकित है, एक का पंकज है, उसकी बहन का नाम एक का पूनम है, ठीक है। और जो गोरी के पापा का नाम है ना दिनेश, दिनेश जनेसर, जनेसर पाल, उसके भाई का नाम नीलू, मतलब किसको बोलते हैं अनिल, अनिल नाम है। और अनिल की माँ या जनेसर की माँ, उसका नाम है बिसमरी, और बिसमरी के घर वाले का नाम है लीला राम। बच्चन सिंह कॉलोनी गली नंबर 6 में रहते हैं, हरी भी गली नंबर 6 है। तो जो जनेसर का लड़का है गोरी, गोरी पाल, उसने मैं धमकी दी। धमकी से पहले सुन लो मेरी बाजू में कहना चाह रहा हूँ, मैंने कहा बेटा गोरी तुम्हारा भतीजा है, मगर तू कुछ बात छुपा रहा। मैंने इससे इस मैटर में क्यों बात पूछी उससे? क्योंकि हमारे मोहल्ले में थी सबसे बड़ा एक मुखबर है सोनू, SC बिरादरी का है, मतलब चमार है, मगर तू उसके साथ रहता है, मगर तू साफ साफ बता क्या है। उसने हमें कुछ नहीं बताया। तो जो हमारा हाफ था जैसा क्वार्ट में थी, जो हम 220 रुपये का हाफ लेकर आए थे 268 रुपये का, उसमें से हमने उसे अधा पिलाया था, तो उसने पी के बताऊ क्या बोला? अगर सोनू का हाथ लग गया तो मेरा हाथ लग गया। क्या बोला भाई इसने? मैंने बोला अगर सोनू का हाथ लग गया तो मेरे भाई का हाथ लग गया। हाँ मेरे भाई का हाथ लगेगा तो मेरा लगेगा। तो मैंने पूछा मैं भाई, मेरा भाई से अगर पकड़ा गया इस मर्डर केस में, 7 साल का बच्चा रौनक, उस केस में मेरा भाई पकड़ा गया, तो तुझे कैसा लगेगा? उसने कहा हमारे साथ डेली पे वो जिसने रौनक को मारा वो डेली उनके साथ सुलभा गांजा सब चीज पीता है भाई, सब बता दे कैमरा उन्हें। हाँ बता दो, हमारे जान जैसा बजा सके और कोई नहीं बजा सकते, हमें बताना खतरा है। मतलब वो हर चीज में यो जो है इसके साथ दे रहा, यो गोरी, गोरी और गोरी के पीछे किसका हाथ है? सोनू। सोनू क्या करे, गांजा बेचे, पुलिस से इसकी 60 गांठ है। अब हम कोई बात नहीं करते, यहाँ पता भाई ये रिपोर्टिंग है हमारी। तो गोरी ने क्या धमकी दी हमें? जो भी जो है जो मैंने क्या दिया क्या दिया। देखो जी जैसा साहब हमें ऐसा ना मानियो, हमने पी रखी इस टाइम, योर में बचपन के दोस्त है, दिन में पूछ ले इस बात को मेरे से, उसने हमें खुली धमकी दी
दो चार दिन में तुम्हें मरवा देंगे। क्या कहा भाई वहां पे? ठीक है मैं कुछ कर रहा हूँ। तो जी हमने थोड़ा बहुत व्यस्त थे हम, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, इसी बात को ले गई, हमारा भाई पकड़ा गया है। गोरी ने भाई का क्या कहा था? दो मिनट में उफवा दूंगा इन्हें मैं। मैंने कहा था मगर मैं भी इस काम को करूँ, लेकिन मेरा आज तक किसी को रिकॉर्ड नहीं है। गौरी ने वह क्या धमकी थी? गौरी मतलब की गौरवपाल दिनेश दिनेश का लड़का। गौरी ने कहा कि मैं हर चीज में हूँ। हमने भाई किसी को गाली थी आज तक? नहीं थी। नहीं जो आज का केस है हमारे से मिला था। मेरा रिकॉर्ड है, मैं पूरे बच्चे कॉलोनी का पूरे मुझे फंडा कर मैं आज तक किसी को गाली नहीं मैंने। अच्छा हम दोनों भाई अपने एंजॉय करने गए थे, बच्चों के लिए दूध लेने गए थे, हमने किसी को गलत बोला कभी भी? अगर आज की डेट है 12 तारीख 2023 छठा महीना दिन मंगलवार 2023 में अगर हमने किसी को बुरा कहा हो? मैंने कहीं जहाँ से भी संभाल लिया ना, जहाँ से तेने लिया मैंने लिया, कहीं से भी मतलब आज के डेट में कहीं भी गाली नहीं देनी। तो गोरी ने हमें क्या धमकी दी भाई? गोरी बताओ जेने सर का लड़का। गोरी जो है उन्होंने हमें यही धमकी दी कि जो है जो थारे पे फटता हो वो फाड़ लो। रौनक को मारने वाला कहते हमारे साथ डेली पिता है, डेली सुल्पा गांजा पता नहीं क्या क्या बताया हमने। क्या क्या साफ साफ था बस इतना तो मुझे ही नहीं पता थे जो जो पिता है दारू कुछ भी जो भी है सिस्टम। सुल्पा गांजा का नाम लिया ड्रेस पे पता नहीं क्या क्या बताया हमने। और सोनू का जिसने हाथ लगा दिया? और वो मेरा भाई है सोनू, अगर जो उसका हाथ उठ गया तो मेरा वोट गया। और जबकि हमारा गोरी क्या लगे भतीजा है हमारा, क्योंकि जब नीलू और नीलू की माँ हमारी बुआ लगाया, जेने सर की माँ हमारी बुआ लगाया, तो हमारे बाप की बहन तुम्हारा क्या लगाया गोरी भतीजा? बिरादरी सा लगाया हम, कश्यप समाज है वे गडरी है, तुम्हारा तो भतीजा लगा, हम तो नीतीश से लगे अपने बाप के नीतीश से। मुझे फंडा कर मैं पूरे में कहीं भी मेरा पता कर लियो, अगर जो मैं कभी भी किसी को मतलब जानता तो हूँ सिकल से जानूंगा। और अभी जब हम अगर जो मैं नाम भी पता भी कर लूंगा ना। अब एक बात और बोल दो इसमें, विश्वकर्मा चौक से जैसे हम इधर को आए गौशाला की तरफ को, तो वहाँ पे कम ऐसी दुकान पड़ती है हलवाई की, वहाँ पे एक मंडी के क्या बोलते उसको, मंडी के प्रधान है क्या बोलते उसको, एक मिनट में पुश कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग पुश कर दी हमने, क्योंकि हमने पूछा था पहले कामेश के दुकान के बराबर में, जैसे कि हम कामेश के विश्वकर्मा चौक से जैसे हम घुसे गए तो घुस तो राइट हैंड पे कामेश की राइट हैंड पे, जैसे कि हम इधर को मुकर लगे इधर को, तो राइट हैंड पे मुखिया की कोठी पड़ती है, वहां पे कैमरे भी है और उसकी बाइक भी है। आज की डेट में 13 तारीख छठा महीना काम चल रहा है वो 2023 की बात है, वहां पे रिकॉर्डिंग भी है उसके कैमरे में। ये रिकॉर्डिंग मैं थाने में रखूंगा आज की डेट में नहीं कल की डेट में रखूंगा। तो भाई इसने मैं खुली धमकी थी वहां भी जाते इस पर चढ़ रहा था मैं, थोड़ा बाइक की रेंज माया बराबर में ऐसे बराबर में आया गेट खुलाऊंगा जो भी तो गया उन्होंने गाली पाली थी तो उधर से एक लेडीज लिकट आई थी वो हमारे कैमरे में नहीं है क्योंकि हमने कैमरा ऑन नहीं रखा था, फ्रंट का कैमरा ऑन था जो मकान पे लगा हुआ था। वो खुली धमकी देने गया, खुली धमकी देकर गया गोरी कि अगर सोनू के हाथ उठ गया ना तो मेरे फूट गया। तो मैं या ये मेरा दोस्त है, अगर हमारी मौत होती है कुछ भी होता है तो उनकी जिम्मेदार गोरी है, गोरी एंड सोनू, इतना कहना चाहते हैं बस हम। क्योंकि मेरा भाई निर्दोष फंसा है जेल में, रौनक के बच्चे, रौनक मरा था बच्चा 7 साल का, उस केस में मेरा भाई फंसा हुआ है। और इस बात का गोरी को मतलब गौरवपाल को और सोनू गढ़ी को, सोनू गांजा बेचता है उसको पता है इस केस का, और एसओजी तरुण पाल ये सब मिले हुए हैं सोनू से, उसने बोला था गोरी ने दरोगा बरोगा सब क्या करते हैं भाई, सारे मेरे आदमी हैं मुक्त है हमारे सामने। बोला था भाई? नहीं बोला था, मैंने बोला तू बोलता है क्या करता उसने? नुका था मेरे सामने मुतेंगे ये सारे, अगर जो मैंने एक फिर भी फोन कर दिया तो तुम्हें भी ठाक ले जाएंगे। तो थैंक यू सर, जय हिंद जय भारत, हमारा साथ दियो, छोटे छोटे बच्चे हमारे ये मेरा एक, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इसके अलावा, मैंने बता दिया अभी, सोशल मीडिया पे भी ऐसे क्राइम होते हैं जो मतलब कि मरने से पहले जोन से वीडियो ना बनवाई
बनाई थी उसके सामने और उनने जो हैंड करा उनने आवाज नहीं आनी थी वो डालना। तो इसी बात इसी वीडियो में मैं अपने एक वॉइस और बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पर जाएगी। मैं बोलना चाहता हूँ मेरी जान को खतरा है, मेरे दोस्त को खतरा है, मेरे किसी परिवार के सदस्य को खतरा नहीं है। जोनसन ने वीडियो उसके सामने बनाई हमने, तो दोस्तों सपोर्ट करें, आवाज नहीं आने दी। अरे सुनो दोस्तों एक बात और बता रहा हूँ, जैसा आपको भी बता रहा हूँ, पढ़े लिखे थे पुलिस क्राइम मिनिस्टर में कोई भी हो सबको बता रहा हूँ, जिस टाइम मैंने रिकॉर्डिंग कैसे बनानी शुरू करी, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग या उसकी मतलब उसने मेरे फोन पे ऐसा टच किया, कुछ हाथ में था उसके, दो उंगली टच की थी उसने मेरी, इसी रिकॉर्डिंग में है, इसमें ज्वाइंट कर दूंगा मैं या मेरे अलग मिल जाएगी, ये फोन मैं आज ही बंद कर दूंगा। उसने कोई ऐसा सिस्टम करा ताकि वॉइस रिकॉर्डिंग कैप्चर ना हो, ओनली फेस या ऐसा वीडियो में आवाज ऐसे बोलने की आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही बस। लेकिन उसने कुछ ऐसा सिस्टम करा क्योंकि वो पहले से ही चोर है, जेब कतरा है, जेब कट्टा उसने पहले भी जेल में रह गया बच्चे, जेल में कौन से है टाउन हॉल के बराबर में आर्य समाज रोड पे जेल में काट चुका है वो जेल बोरी। तो उसने मुझे धमकी बोली थी, मेरा कुछ नहीं होने का। तो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर मेरे साथ या मेरे दोस्त के साथ अनुज आए, अनुज के पापा का नाम सुरेश पाल है, मेरा बचपन का यार है, अगर मुझे या इसको होनी होती है तो इसका जिम्मेदार सोनू गड्डी, सोनू मुकबर या गौरव पाल है। जय जय भारत।